वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिकाचरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं मनोहर वांछाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुभवच्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावे तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य कृष्णभक्तिवदे देवी सत्त्वत्वयी नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरे संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्न अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंजनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनदपालभवाद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजितकिमपि वधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकीर्तनैकवितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्वामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापारम् वरानुषिपुरपति पुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यश्च च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संभी त्वं निशिङ्गमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यच्चक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोह तस्मै नमानन्त गुणाय भुम्ने। यच्चक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति
kurvanti chaisam muhuratmamoham tasmai namananta gunahaya bhumne. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagat Guruji ne bataye, maya pratarito chakshu ke dara, माया प्रतारितो चक्षु के द्वारा हम जो दर्शन करते रहते हैं ये सरासर गलत दर्शन है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताएं, हम लोग जो माया प्रतारित आँखों के द्वारा ये जगत का दर्शन करते रहते हैं, ये जगत दर्शन हमारा लिए फांसी का फंदा बन जाएगा। जगत दर्शन और वैकुंठ दर्शन दोनों एक बात नहीं है। पूरा दुनिया में लड़ाई चल रहा है। जच्छक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति। सारा जिंदगी लड़ाई झगड़ा में निकल गया, जबकि ये मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है। दुर्लभम मनुष्यम जन्मम देहिनाम क्षणभंगुर इत्यादि श्लोक चर्चा हुआ। पोपत कहते हैं कि जो लोग माया प्रतारित आँखों के द्वारा दुनिया का दर्शन करने जाए, हर हालत में वो लोग धोखा खाएगा। ये अनित्य जगत है, बुद्धिमान उसी को माना जाता है जे ये अनित्य जगत में नित्य वस्तु का अनुसंधान करे। जो अनित्य जगत में आकर दो दिन का जिंदगी में परम सत्य वस्तु नित्य वस्तु का अनुसंधान करने में जो व्यस्त है, वास्तविक रूप में वो बुद्धिमान है। बाकी लोग आम आदमी बुद्धिमान नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं भोग या तो त्याग, ये दोनों में एक समझते हैं आदमी, इसका बीच का जो रास्ता है वो समझता नहीं, वो भक्ति का रास्ता है। भोग भी हमारा चिंता का विषय नहीं है और त्याग क्या त्याग करेंगे, त्याग क्या करेंगे, त्याग करने का वस्तु है क्या? ये जो शरीर है मन है जो कुछ भी है सब प्रकृति से लिया हुआ है, आप प्रकृति को ही वापस देके जाना पड़ेगा। जो लिया था वो जगत से लिया था, जो ले रहा है जगत से ले रहा है, सारे जगत से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन खमा का परेशान हो रहा है, मेरा रुपया पैसा चला गया, हमारा लूट हो गया, मैं तो लूट हो गया, मेरा सारे गया, क्या गया? कुछ नहीं गया। भोग और त्याग ये दोनों समझता है आम आदमी का, ये विश्वास है अगर कोई दान पुण्य करे तो भोग का रास्ता मिलेगा, आनंद एंजॉयमेंट का, स्वर्ग में जाएगा, स्वर्गवास होगा। भोग और त्याग, पुण्य कर्म करो, दान पुण्य कर्म करो। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी ने सख्त माना कर दिया। नरोत्तम ठाकुर जी ने सख्त माना कर दिया, ऐसा मत करो। पुण्य से सुखेर धाम नलयो तार नाम, पुण्य सुख का धाम है, इसका नाम तक लेना नहीं है। क्यों? क्यों? अच्छा तो है, नहीं अच्छा है। पुण्य से सुखेर धाम नालोयो तारना, इसका नाम नाम नहीं लेना। क्यों? ये ज्यादा मुसीबत में फंसा देगा। पुण्य कर्म क्या करे और ज्यादा मुसीबत में फंसा दे? क्यों? पुण्य कर्म में द्वारा पाप कर्म करो तो नरक में जाओगे, पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट पाते 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 निर्वेद आ सकता है, इनाफ ऑफ इट। निर्वेद आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आ सकता है। इतना पनिशमेंट मिलने के बाद चले बहुत हो चुका और नहीं।
लेकिन पुण्य से सुखेर धाम नालो यह ताम नाम इसलिए बोला, माना कर दिया, क्योंकि पुण्य कर्म करने से हमको ऊर्ध्वलोक मिलेगा, स्वर्गवास होगा, वहाँ ज़्यादातर इन्जॉयमेंट है, कोई रोग व्याधि नहीं है, व्याधि क्लामो टायर्डनेस मेरा बुढ़ापा कुछ नहीं है, एंजॉय करते रहेंगे। और उसका बाद छीने पुण्य मत्तलोकम विशन्ति, जब पुण्य खत्म हो जाएगी तो उसको धक्का लगा के जगत में फेंकेंगे। अब मेरा आदत खराब हो गया, इतना एंजॉयमेंट करना, अप्सरा का साथ नृत्य करना, इतना मजा ले लिया, ये तो संस्कार बन गया, क्या करें। अब इसका हमको धक्का लगा के अगर जन्मिन में ये धरती पर फेंके तो क्या हालत है, क्या गुजारेगा, मेरा पर क्या गुजारेगा बोलो। ये तो अभ्यास तो अच्छा बन गया है, रिलैक्स है ना, लग्जरियस अवस्था में रहा, अभी हमको फेंक दिया खिने पुण्य मत्तलोक में, और ज़्यादा मुसीबत है। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने मना कर दिया, देखो तब अगर ये पुण्य कर्म करने का बाद स्वर्गवास हुआ, ऊर्ध्वलोक में गया, मेरा संस्कार का अनुसार मेरा अभ्यास बन गया रिलैक्स करना, जो एसी में रहा है पूरा जिंदगी में, तो वो 48 डिग्री टेम्परेचर में रह सकता क्या। लेकिन मेरे लिए कोई असुविधा नहीं, कुछ भी टेम्परेचर हो जाए, वृंदावन वो भगवान की कृपा है। तो जिसका अभ्यास नहीं है तो अभ्यास बन चुका, तो उसके लिए खतरनाक है, मुश्किल। इसलिए नरोत्तम ठाकुर जी ने बताए पुण्य का बाद जो इन्जॉयमेंट मिले, पुण्य खत्म होने के बाद जो पनिशमेंट है, ये तो इससे बढ़कर है, इससे अच्छा है पनिशमेंट लेना। पाप कर्म करने से पनिशमेंट मिलता ही है, पुण्य कर्म लेने से और मुसीबतें हैं, और बॉन्डेज है। पाप कर्म करने से पनिशमेंट मिलेगा और भी निर्वेद आ सकता है, निर्वेद बहुत हो चुका ऐसा आ सकता है, लेकिन जो पुण्य कर्म करे उसको तो आएगा नहीं। इसीलिए पाप या पुण्य या तो भोग या त्याग, ये सब शब्दों के द्वारा हमारा कोई काम नहीं। ये जो भोग और त्याग है, पेन एंड प्लेजर, ये सब जो भोग त्याग ये सब जो है हमारा पाप पुण्य, ये सब के साथ मेरा कोई ताल्लुकात है नहीं। मेरा ताल्लुकात है सेवा का सारा, युक्त वैराग्य। सो महाप्रभु जी ने सिखाए भोग और त्याग दोनों ही वर्जित है। चक्षु कर्ण नसिका के द्वारा जो जड़ रूप रस शब्द स्पर्श गंधो, ये जो ग्रहण का, ये जो एक्सेप्ट करने का, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, इसका सब, ये सब जो है इसके द्वारा रूप रस शब्द स्पर्श गंधो, ये जो एंजॉयमेंट लेने का, यही तो भोग है। लेकिन ये भोग क्षणिक है, क्षणभंगुर है। जे ही संस्पर्श जा भोगहा, भगवान गीता में बताएं, जे ही संस्पर्श जा भोगहा दुक्ष जन एवते आद्यंत बंत कंति नौतेषु रमते विधा। जे ही संस्पर्श, टेंजिबल एंजॉयमेंट, टेंजिबल फैसिलिटी, टेंजिबल एंजॉयमेंट जो है, चक्षु कर्णो नासा त्वचा जिह्वा, ये सब के द्वारा, कर्णो हैं, ये सब के द्वारा जो एंजॉयमेंट है, ये तो एंजॉयमेंट है ही है, लेकिन मेटेरियल एंजॉयमेंट जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है, जड़ो रूप रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब, ये तो एंजॉयमेंट है, इसका ही भोग बोला जाता है। लेकिन भगवान गीता में बताएं, जे ही संस्पर्श सजा भोगहा दुक्ष जन एवते आद्यंत बंत कंतियो नौतेषु रमते बुधा। जे संस्पर्श सजा भोगा, मतलब इंद्रियों के द्वारा भोगने वाला जो विषय है, जे ही संस्पर्श जब होगा दुख, ये अल्टीमेटली दुख की सागर में डालने वाला, दुख की सागर में डालने वाला। इसलिए ये सब सुख का कोई, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट, ये एंजॉयमेंट का शुरुआत है और अंत है। जे ही संस्पर्श जब होगा दुक्ष जन एवते आद्यंत बंतो आदि अंतो, शुरुआत और अंत, आद्यवंत कंत्यो नौतेषु रमते बुधा,
those who are really intelligent, they never run for sensual enjoyment. Material enjoyment ke liye dourta nahi. Wo samajhta hai. Jadagri amrita paramam parinam dukhamu. Pehle amrit jaisa lagta hai. Jadagri amrita paramam parinam vishya parinam ye परिणाम ये 20 के बराबर है, 20 से बढ़कर है। ये भोग में एंजॉयमेंट में तात्कालिक फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सुख जरूर है, लेकिन अंतिम में जो दुख के सागर में डालने वाला ये का तो महसूस होना चाहिए। है तो आनंद अभी, लेकिन ये जो बाद में जो दुख के सागर में डालने वाला इसका बारे में ध्यान देना चाहिए। इसीलिए दुनिया में भोग से त्याग का आदर ज्यादा है। जो व्यक्ति जो लोग चाहता है कि ये भोग से बाहर जाए, भोग से मुश्किल हो सकता, तो त्याग अच्छा है। त्याग का बहुत सम्मान है जगत में। वो त्यागी जी महाराज की जय हो। बहुत त्याग का बड़ा आदर है। त्याग विराग मतलब मेटेरियल एंजॉयमेंट में कोई आकर्षण नहीं है, इसको त्याग, ये अच्छा है। लेकिन ये लोग क्या है, त्याग त्याग नेति नेति मायावादी नौती नौती तौत और अतत वस्तु। ध्यान देना, ये मायावादी का विचार है, ये तद वस्तु है। तद मतलब सद वस्तु, नित्य वस्तु। ये अतत है, तद वस्तु नहीं है। ये अतत और तत का अनुसंधान करते करते ये लोग ऐसा पागल बन जाता कि नेति नेति नौती नेति नेति मतलब ए नहीं ए नहीं ए नहीं, इसको छोड़ो इसको, अंतिम में भगवान को ही छोड़ के फेंक दिया। नेति नेति करके अंतिम में परमेश्वर को भी छोड़ दिया, मतलब इसका सेवा इसका चिंतन सब। ये त्याग का जो विषय है ये भी बड़ा मुश्किल। ये लोग बोलता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन जगत तो मिथ्या नहीं है। जगत मिथ्या क्या, क्षण भंगुर है। जगत मिथ्या तो नहीं है। क्या मैं देख रहा हूं, इसमें जन्म लिया है, चल रहा हूं, संयोग से अभी इस पद आ गया, तो क्या झूठा कैसे हो सकता। झूठा नहीं है, लेकिन अनस्टेबल है, अनित्य है। सर्वशक्तिमान भगवान का सृष्टि का अपमान करना, ये भी भगवान का ही अपमान करना। हम बोले सृष्टि विष्टि कुछ नहीं है, बेकार है, तो ये भगवान का ही तो शक्ति, बहिरंगा शक्ति, भगवान का बहिरंगा शक्ति, शक्ति विकार, भगवान का विकार नहीं, भगवान शक्ति का भी। ये सृष्टि रचना हुई है, लेकिन कोई अगर ना माने तो ही भगवान का ही अपमान हुआ, भगवान का ही अपमान हुआ। भगवान का भक्तों का अपमान करो तो भगवान का अपमान है, भगवान का सृष्टि का शक्ति शक्ति का अपमान करो भगवान का ही अपमान है। विश्व झूठा नहीं है, ठीक है। वेदांती लोगों का जो विचार है, मायावादी वेदांती, सरस से झूठा है। भोग और त्याग दोनों में एक भी चीज हमारा दरकार नहीं, सिर्फ युक्तो वैराग्यो जीते जी जो चीज ग्रहण करना जरूरी है, जिसमें हमारा जीवन जिंदगी चलते रहे, बस एंजॉयमेंट का मूड नहीं है, थोड़ा प्रसाद पा रहा हूं ये जिंदगी जिंदगी बचने के लिए, ऐसा बुद्धि लेके युक्त वैराग्य जो भाव है इसको ग्रहण करके भगवान का सेवा में लगे रहे तो अच्छा है, नहीं तो भगवान का अवज्ञा हो जाएगा। ये अमाम तमाम दुनिया जो है, विश्व है, विश्व का ये वैभव है, सब कहां से आया है, भगवान से ही आया। भक्तों विषय को ना त्याग करता है ना भोग करता है, कुछ नहीं करता है। तमाम विषयों को जो दिखाई पड़ता त
तमाम दुनिया के जितना सारे वस्तु है आमने सामने, सामने में जो कुछ मिला सो भगवत सेवा से लगा देता है, भगवत सेवा में नियोजित कर देता है अनासक्त रूप में। याद है ना, अनासक्त स्व विषयानो यथारहम उपजंजत, याद है ना, अनासक्त स्व विषयानो यथारहम उपजंजत कृष्ण संबंध युक्तम वैराग्यम। अनासक्त स्व विषयानो, अनासक्त होकर तमाम दुनिया का जितना सारी चीज है, भगवान का सेवा का आइटम है, तमाम दुनिया में जो कुछ भी दिखाई पड़ता इससे भगवान का सेवा का उपकरण है, आइटम है, ये समझकर किसी वस्तु में आकर्षित नहीं होना, किसी वस्तु का साथ आकर्षण विकर्षण में नहीं जाना, और सिर्फ भगवान का सेवा नित्यम भगवत सेवाया ग्रंथ भागवत एवं भक्त भागवत, भक्त भागवत सबसे ऊपर है। ऐसा करके सेवा करने से धीरे धीरे प्रपंच जो है, दुनियादारी का जो भाव है, हृदय से छूट जाएगा धीरे धीरे, जोर जबरदस्ती करने से होगा नहीं। जो श्लोक दे के शुरुआत किया उसमें भी ये है, जत सक्त यो वदताम बदिनाम वई, जिस भगवान का शक्ति का प्रभाव से, जिस भगवान का शक्ति का प्रभाव से जत सक्त यो वदताम बदिनाम वई हम बातें कर सकते, चल सकते, देख सकते, खा सकते, भगवान का शक्ति के द्वारा, जत सक्त यो वदताम बदिनाम वई, जिसके द्वारा प्रेरित होकर दोनों पंडितों में लड़ाई चलता है, नहीं ये ठीक नहीं, नहीं ठीक नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है, यक शक्तयो वदताम बदिनाम वई विवाद संवाद भुवो भवंती, ये दुनिया में केवल लड़ाई चल रहा है, सेक की लड़ाई चल रहा है, ये मेरा है, तू रहा है, तू तू मैं चल रहा है लड़ाई। यक शक्तयो वदताम बदिनाम वई विवाद संवाद भुवो भवंती, विवाद हो रहा है, संवाद हो रहा है, भुवो भवंती, जत सक्ते वदताम बदिनाम वई विवाद संवाद भुवो भवंती कुरुवंत चैषा मुहूरात्म, जिस भगवान के माया के द्वारा तमाम जगत मोहित होकर पागल बन गया, जन्मयाया मोहितम जगत, जन्मयाया मोहितम जगत, मोहित हो गया, पागल हो गया, जत सक्ते विवाद संवाद भुवो भवंती कुरुवंत चैषा मुहूरात्म मोह, बार 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 रिपीटेडली बार बार पुनः पुनः धोखा खा जाता है। दुनियादारी का चीज में लगन लगाने के लिए बड़ा व्यस्त है, बड़ा होशियारी दिखाता है, लेकिन अल्टीमेटली धोखा खा जाता है, क्योंकि तो है ही नहीं कुछ, ये तो नित्य वस्तु है नहीं, इसी में लगन लगाओ, या बीवी हो, बच्चा हो, संपत्ति हो, किसी में लगन लगाओ, ये तो महाराज भारी पड़ जाएगा, लेने से देने पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएगा, जानते नहीं। कोई व्यक्ति चाहता नहीं कि सेवा में लग जाए, त्यागी बन के आए फिर भी वापस चले जाए, बोले हमारे लिए संभव नहीं। विवाद संवाद भुवो भवंती कुरुवंती चैषा मुहूरात्म मुह, मुहूर मुहूर बार बार पुनः पुनः बार बार मोहित हो जाता है, पागल बन जाता है, जैसे कि मैजिक डाल दिया, जादू टोना कर दिया, लगता है कि जैसे कोई जादू टोना कर दिया, ऐसा कुरुवंती चैषा मुहूरात्म मुह, जिस भगवान का प्रभाव से, जिस भगवान का प्रभाव से ये पूरा दुनिया माया माया में मोहित हो गया, जो बदताम बदिनाम वई विवाद संवाद भुवो भवंती कुरुवंती चैषा मुहूरात्ममोह तस्मै नमः अनंत गुणाय भुन्मे, अनंत गुण, अनंत श्री विभूषित, अनंत श्री विभूषित, अनंत गुण समन्वित, ये जो भगवान है
जिनके माया के द्वारा तमाम जगत मोहित है, जिनके माया के द्वारा तमाम जगत पागल बन के रहता है, ये पागलपंथी है, कुछ नहीं है। जिस भगवान के माया के द्वारा सामान जगत मोहित होके कुछ समझ नहीं पा रहे, वो भगवान का चरण में मेरा दंडवत रहे। उद्धव जी महाराज का कहना है, उद्धव जी महाराज का कहना है कि ठाकुर जी मेरे को बचा लो, आप मेरे को आदेश दिया ये तू एक काम कर, उद्धव आत्मज्ञान प्राप्त करके ये जगत में विचरण करना, ये तो एक किस्म का सन्यास हुआ। उद्धव कहते हैं तो सन्यास है, अब तो मैं भोगी हूँ, मैं विषयी हूँ, बस इतना ही हमारा भरोसा है कि आपका प्रसाद, हर वक़्त आपका प्रसाद पाया, हर वक़्त आपका प्रसाद पाया, एक ये सबसे बड़ा हमारा भरोसा है, क्योंकि प्रसाद का सेवन करने से प्रपंच अदृश्यमान जगत मायामय जगत मेरे को मेरा ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसीलिए ठाकुर जी एक भरोसा है, तयोपभुक्त स्रगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासः स्तवो मयाम जय मही, तयोपभुक्त स्रगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासः स्तवो मयाम जय मही। ये भरोसा है, उद्धव जी कह रहा है कि मेरा भरोसा है, इतना काफी, आपका प्रसाद, आपका स्रग गंध माला चंदन जेवर कपड़ा जो कुछ भी है उच्छिष्ट खाया, तब माया जय मही, तुम्हारा माया को हम जय करके रखेंगे। ध्यान देना, ये जय करके रखेंगे, उद्धव जी जो बोला ये अहंकार की बात नहीं है। ये दुनिया का कोई आदमी बोले अरे हम माया चढ़ करके दिखा देंगे, ये पागल है। माया रे कोरिया जाए छरण ना जाए, साधु गुरु कृपा बिना ना देखी उपाय, ऐसा बात कभी कोई नहीं बोल सकता। मैं माया को जय कर दिया, मैं जाया माया के ऊपर जय प्राप्त किया, ऐसा कभी नहीं बोल सकता। कोई मुनि ऋषि से लेकर कोई महात्मा कभी ये बात बोला ही नहीं। यहाँ तक कि शंकर भगवान जो है, जो मृत्युंजयी, यहाँ तक कि शंकर भगवान जो है मृत्युंजयी है, कामजयी है, ये भी आज तक कभी ऐसा साहस नहीं किया। शंकर भगवान जो कि कामजयी मृत्युंजयी, जो कि कामजयी मृत्युंजयी, वो भी आज तक ऐसा बात बोलने का साहस नहीं किया। क्यों? भगवान का माया को जय नहीं किया जाए। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितं तन्त, मेरा माया पार करना संभव नहीं है, संभव नहीं ना। सिर्फ इतना है कि मेरे चरण में जो शरणागत हो जाए उसके लिए माया बेरा पार होना, माया पार करना कोई बात नहीं। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितं तन्त थे। उद्धव जी का जो कहना है ये प्रेम की बात है, इसको बहस नहीं समझना। क्या उद्धव जी बोल दिया कैसे, ऐसा नहीं बोलना। हम काल या परशु पचार विचार करके दिखाया, शंकर भगवान जो काम जो ही है ये भी कभी अहंकार के द्वारा प्रेरित होकर बोल नहीं सकते जब माया आपका माया जय कर दिया, क्योंकि शंकर भगवान को मालूम है भगवान का माया क्या कुछ नहीं कर सकता। मोहिनी का रूप पकड़ लिया, शंकर भगवान को धोखा डाल दिया, बस हो गया छुट्टी। बाद में सब भगवान बोल रहे हैं ये मोहिनी को आलिंगन किया, जोर जबरदस्ती भागते भागते मोहिनी को पकड़ लिया और जब आलिंगन किया और उनमें से भगवान निकल के बोला क्या हुआ शंकर, अरे आप है, हम ही तो है, कहां हम नहीं है, हम ही तो है, हर जगह तो हम हैं, अद्वैत ज्ञान तो आप है, अनहामी तो है,
इसीलिए तो बोला मेरा प्यारा शंकर भोले बाबा ये सब साहस मत करो। अब देखा क्या हुआ, धोखा खा गया। पार्वती देवी पार्वती मैया खड़ा है, नंदी भिंगी खड़ा है और बाबा क्या कर रहा है, क्या करे, ये माया है। शंकर भगवान कामजयी है, मृत्युंजयी है, कोई शक नहीं है, लेकिन कभी चैलेंज नहीं कर सकता शंकर भगवान भी। शंकर भगवान भी कभी चैलेंज नहीं कर सकता, माया को चैलेंज है, कभी नहीं बोल सकता। मम माया दुरतया मामे बुझे प्रबद्धंते मायामितम तरंती थी, ये बात पक्का है। लेकिन उद्धव जी का जो कहना है ये अहंकार की बातें नहीं, ध्यान से सुनना। ये उद्धव जी का जो वचन है ये प्रेम भरे, प्रेम इसमें प्रेम है, ये प्रेम के मारे, ये प्रेम के मारे बोल रहा है। जे तयोपभुक्त सगंध वास अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासस्तवो मयम जय मई, आपका जो दास हूँ हम लोग, जो आपका उच्छिष्ट हो खाते खाते जिंदगी गुजर रहा हूँ, तबे माया जय मोही, हम लोग जय कर लेंगे, कोई बात, ये अहंकार की बात नहीं, ध्यान देना। भगवान ने उद्धव के सामने बोल दिया, उद्धव देखो तुम्हारा जो विचार है ये ठीक है, तुमने सही समझा कि मैं जाने का तैयारी कर रहा हूँ, हम जाने का तैयारी कर रहे हो, मैं जाने का तैयारी, ये पक्का बात है, इसमें कुछ, लेकिन मैं जाने का बाद तुमको रहना पड़ेगा, आचार्य बन के रहना पड़ेगा, मेरा जो आदर्श है, मेरा जो शिक्षा है, और सब तुम्हारा हृदय में, तुम्हारा आधार पे मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ, ये मेरा इच्छा है, मेरा आदेश है, अगर आप मान लो तो अच्छा है, और हमारा जो खानदान है ये तो नाश होने वाला ही है, आप जानते ही हो, और मैं छोड़ने का बाद इस जगत में रहना सचमुच मुश्किल है। क्यों, कलिकाल का आदमी धोखेबाज होगा, लोचार होगा, बदमाश होगा, एकदम ईमानदारी बोल के कुछ चीज नहीं रहेगा। उद्धव कूलम बई शापो निर्दग्धम नंक्षति अन्न अन्न विग्रहाद समुद्र सप्तमे ही एताम पुरिंच प्लावयिष्यति। समुद्र, ये जो समुन्दर देख रहा है ना सामने, क्योंकि द्वारकापुरी समुन्दर का बीच में बना है भगवान, भेट द्वारका आदि, सप्तमे ही एताम, सात दिन का अंदर, सात दिन जाते जाते ये पूरा जो हमारा जो धाम है ये सब पानी का अंदर जाएगा। कूलम बोई निश्चितमेव, ये कुलनाश होगा, अपने अपने एक दूसरे के साथ लड़ाई, ये तो माया है, जोग माया का। समुद्र सप्तमे ही एताम पुरी, ये पुरी जो है द्वारका पुरी प्लावयिष्यति, प्लावन में बह जाएगा। न वस्तव्यम तयैव इह मया त्यक्ते मही तले, मैं छोड़ने का बाद, जगत छोड़ के जाने का बाद हर हालत में ये जगह रहने का काबिल नहीं रहेगा। जनु अधर्म रुचिर अभद्र भविष्य है, भविष्य कलयुग युगे, भविष्यति कलयुग युगे, कलयुग में ये सारे कलिकाल का जो आदमी अभद्र हो जाएगा, ईमानदारी बोल के कोई चीज नहीं बचेगा मैं जाने का बाद। उद्धव तम तू, तुमको जितना सारे रिश्तेदारी है, भाई बंधु पिता माता जो भी रिश्तेदारी तुम्हारा है ये सब छोड़ना है, विदाउट एनी मर्सी, मर्सीलेसली, लगेगा कि ये जैसे निर्दय, लेकिन निर्दय शब्दों का यहाँ व्यवहार उचित नहीं है, लेकिन फिर भी ये शब्दों को छोड़कर दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, जिसके द्वारा
आपको समझा सकूं, जिसके द्वारा ये शब्दों का प्रभाव छोर नहीं पड़ेगा। चाहे रोना धोना करे, कुछ भी करे, हर हालत में जिसको छोड़ना ही है उद्भव, उसको क्यों ना तू ही छोड़ दे। बुद्धिमानी तो इसी में है उद्धव, बुद्धिमानी तो इसी में है। तमाम जगत का जो चीज है, तमाम जगत का जो चीज है, मेरे को छोड़ देगा, मेरे को छोड़ेगा हर हालत में। मेरा पैसा, बैंक का अमानती पैसा, LIC, लाइफ इंश्योरेंस, पत्नी है, जो कुछ भी है, पिता माता, भाई बंधु, लड़का लड़की, बहू, कोई भी है, कुछ भी है, हर हालत में एक दिन न एक दिन तेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। उद्धव, बुद्धिमान तो इसी में है, बुद्धिमानी तो इसी में है, जो चीज मेरे को छोड़ना ही है, क्योंकि जो चीज मेरे को छोड़ना ही है, क्यों ना मैं पहले से छोड़ दूं, ये तो मेरे को छोड़ के जाएगा। और बुद्धिमानी इसी में मैं ही छोड़ दूं, क्यों आकर्षण में विकर्षण में रहूं, ये तो अच्छा नहीं है। एक एक करके दिन, सुबह हुआ शाम हुआ, सुबह हुआ शाम हुआ, पानी का माप बह रही है इस समय, कोई रोक नहीं सकता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नान, समय और नदी का बार झेव जो है, करंट किसी के लिए रोकता नहीं, किसी के लिए उद्धव रोकता नहीं। ये जाने वाला है, आने वाला जो पल है वो जाएगा ही, जाने वाला है, वो रहेगा नहीं। इसलिए अच्छा है उद्धव, जितना सारे रिश्तेदारी हैं, जितना सारे सागे संबंधी है, सब मन को उठा लो, मन को उठा लो, यहां से मन को उठा लो, उठा के बस तैयारी करो तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का। इसलिए भगवान कह रहे हैं उद्धव को, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, नो वस्तव्यम तई वेह मया त्यक्ते मही तले जनो अधर्म रुचिर अभद्र भविष्यति कलौ युगे। काल चर्चा करेंगे, कलौ राजन जगताम परम गुरुम तिलोक नाथा नतपाद पंकजम। बड़ा सुंदर है, कोई चाहता नहीं कि भजन करे, सब चालाकी कर रहे हैं, चुकलीबाजी कर रहे हैं। उद्धव, मन को हटा लो, तम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम स्वजन बंधुषु, जितना सारे सागे संबंधी है, भाई बंधु है, मन को उठा लो, मन को उठा लो। न सरम गृज्यमानंच विद्धि माया मनोरथम मनोमयम सॉरी जदिदम, जो तुम देख रहे हो चारों ओर, तम तु सर्वम परित्यज्यो स्नेहम सज्जन बंधुषु मज्जावेश मन सम्मक विचरस्व काम। तुमको किंतु, तम तु, तुम लेकिन तुमको क्या करना पड़े, तम तु सर्वम परित्यज्यो स्नेहम सज्जन बंधुषु, सगे संबंधी भाई बहन बंधु सब कोई के साथ ये रिलेशन जो है, अनित्य संबंध है, सब काटो। स्नेहम सज्जन बंधुषु परित्यज्य स्नेहम सज्जन बंधुषु, त्याग करो। करके क्या करो, मज्जावेश मनः, मन को मेरे में लगाओ, मन को मेरे में लगाओ, मेरा अंदर में लाओ, मन को मेरा अंदर में लगाओ, मेरा चरण में। मज्जावेश मनः सम्मक, वो भी ऐसा वैसा नहीं है, मन को लगाना है एकदम फुल अटेंशन, मन को लगाना है बट विथ फुल अटेंशन। ऐसा नहीं कि तुम्हारा
मन इधर उधर भागादौड़ी कर रहा है ऐसा नहीं, एकदम अटेंशन लगाओ विथ फुल अटेंशन। मज्जाविश्य मन सम्मक, सम्मक रूप में मेरा चरण में मन को लगाओ और समद्रिक समदृष्टि संपन्न हो जाओ। काल इस विषय, काल इस विषय पर चर्चा हुआ, समद्रिक समभाव समदर्शन का मतलब है हर वस्तु में भगवान का महसूस करना। समदर्शन का मतलब है चाहे मूछी है, भांगी है, कोई भी है, एक्सटर्नली बाहरी दृष्टि में वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा। ध्यान देना, भगवान जो वर्णाश्रम धर्मों का व्यवस्था किए हैं इसको फेंकना नहीं है, फेंकना नहीं है, फेंकने के लिए बोला नहीं। ये जो चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तस्व कर्तारम अहम विद्धि तस्व कत्या कर्तारम अपी माम विद्धि अकर्तारम अभ्य। मैं ये चतुर्वर्णो मया सृष्ट, चतुर्वर्ण आश्रम मैंने किया। अगर पूछा जाए तो भगवान एक तरफ तुम पूछ रहे हो को समदृष्टि करो और दूसरे तरफ बोल रहे हो ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है, ऐसा क्या ऐसा बात है, हैं? एक तरफ बोल रहे हो को समदृष्टि करो और दूसरा तरफ बोल रहे हो को चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विभाग है सर। अकॉर्डिंग टू गुण एवं कर्म क्वालिटी एंड कर्म का अनुसार तुमने भाग किया खोद, भगवान बोल रहे मैंने खोद किया, तो इसका मकसद क्या है? बोले महाराज इसका मतलब है दुनिया का जितना सारे जीवात्मा है विशेष करके मानव जाति है, ये स्वभाव जो है तरह तरह का स्वभाव है, ये स्वभाव का सेग्रीगेशन करो, इसमें एक सेग्रीगेशन नहीं किया जाए और गुण और कर्मों का अनुसार समाज को एप्रोप्रिएट गाइडेंस ना दिया जाए तो अव्यवस्था फैलेगा। एक भांगी क्या करेगा, मंदिर में घुस जाएगा जाके वर्चन शुरू कर, अरे थोड़ी है उसका लिए, अरे आपने तो समदर्शन बोला क्यों नहीं करे, अरे पागल है। समदर्शन का मतलब समझो, समदर्शन का मतलब ये नहीं है ठाकुर जी ये नहीं बोला वर्ण संदर्भ फेंक दो सारे बराबर है, बराबर तो है ही है, किस दृष्टि से ये जो बराबरी है वन, ये जो सेम एक, ये जो एकात्म दर्शन है, ये जो समदर्शन है, इसका भाव कहाँ तक है प्रैक्टिकल। ये भांगी है, ये ब्राह्मण है, ये जो सेग्रीगेशन समाज को चलाने के लिए, समाज को सिस्टमेटाइज, समाज को सिस्टमेटाइज करने के लिए जरूरी है फॉर द टाइम बीइंग, पर अल्टीमेटली वी नीड नॉट फॉलो दिस वर्णाश्रम, बी इट्स योर, आई बात समझ में। फॉर द टाइम बीइंग सो लॉन्ग एज वी आर इन बॉन्डेड कंडीशन, जब तक हम लोग बॉन्डेड अवस्था में हैं तब तक ये वर्णाश्रम धर्म बड़ा इफेक्टिव है, बड़ा साइंटिफिक है, इफेक्टिव है। क्यों? नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा, समाज संसार एकदम उल्टा पलटा हो जाएगा, इसीलिए वर्णाश्रम धर्म जरूरी है। लेकिन जब मुक्त अवस्था में आदमी पहुँचे, भजन करते करते परम परमहंस अवस्था में पहुँचे, तब ये वर्णाश्रम धर्म का साथ इसका कोई ताल्लुका नहीं है, छूट जाता है। आपका साथ भी, आप अगर भजन करोगे, आप अगर भजन करोगी, आप भजन करोगे तो धीरे धीरे देखोगे दे धीरे धीरे यू आर गोइंग टू लूज योर कनेक्शन विद मैटर, मेटेरियल जगत के साथ आपका नाता जो है, नाता आपका जो नाता है, कनेक्शन है, धीरे धीरे हल्का होते जा रहा है, धीरे 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 फीका पड़ जाता है और अंतिम में परमहंस अवस्था में ये वर्णाश्रम धर्म का साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। फिर भी समाज संसार को व्यवस्थापित, फिर भी समाज संस्कार, फिर भी समाज संसार को व्यवस्थापित ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेल अरेंज करने के लिए वर्णाश्रम धर्म ये जरूरी है। जब तक बद्ध जीव बद्ध भूमिका में हैं,
हर हालत में इसको पालन करना चाहिए, नहीं तो जिसका जो कर्म है वो नहीं करेगा। ये इसका नाम है क्षत्रिय, इसको युद्ध करना है वो नहीं करेगा। जिसलिए भगवान गीता ने अपना अपना कर्तव्य कर्म को करने के लिए बताया, लेकिन अल्टीमेटली सब कोई को दिखाया, मार्ग दिखाया, जिसका जो मार्ग है फिटिंग से, कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, राजगुरु योग, भक्ति योग, जिसका जो फिटिंग है, धीरे धीरे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, बाद में देखो वर्णाश्रम धर्म इज नथिंग, ये कुछ नहीं है। वर्णाश्रम धर्म जब परमहंस अवस्था में पहुंचोगे, ये वर्णाश्रम व्यवस्था को आप उत्पात समझोगे, क्योंकि ये आपका भजन का रुकावट है। वर्णाश्रम धर्म अभी ठीक है, लेकिन परमहंस अवस्था में पहुंचोगे आपका ऊपर रोक टोक, महाराज ये नियम मानना है, सुबह में उठना है, अरे दूध तो सुबह में उठना है, ये हर वक्त भजन में लगे हैं 24 घंटा। ये सोचता है कि परमहंस व्यक्ति लोगों को भी, ये लोग बद्ध जीव सोचता है, ये परमहंस लोगों का भी, हम लोगों का माफिक एक ही नियम है, जो नियम हमारा लिए है वो नियम गौरकिशोर बाबाजी महाराज के लिए भी इफेक्टिव है। ये सरासर गलत है ये भावना। तो चतुर्वर्ण माया सिस्टम ठीक है, लेकिन इस समाज संसार को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, व्यवस्थापित करने के लिए, नहीं तो अव्यवस्था फैलेगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहाँ तक कह दिया, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने यहाँ तक कह दिया कि देखो आप अगर पारमार्थिक ब्राह्मणत्व, आई बात समझ में नहीं आए, पारमार्थिक ब्राह्मणत्व मतलब माने जो लोग वास्तव ब्राह्मण है, आजकल नियम हो गया ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है, ऐसा नियम शास्त्र में नहीं है, उसका जो स्वभाव है, करेक्टर है, स्वभाव है, उसके मुताबिक उसको ब्राह्मण घोषित किया जाएगा। जैसे ऋषभदेव भगवान का 100 पुत्र है, इनमें से कई पुत्र है वो ब्राह्मण बन गया, बाकी 100 पुत्रों में क्षत्रिय बन गया नए, ऐसा है। सो ये क्षत्रिय है ऋषभदेव, तो कैसे इसका लड़का ब्राह्मण बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है गुण कर्म विभाग से, ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं, ब्राह्मण का लड़का चमार हो सकता, इतना नीचा है, हो सकता, हो सके, कोई बात तो है नहीं। इसीलिए अव्यवस्था फैलेगा, इसीलिए व्यवस्था। तो उद्धव जी को भगवान ने ये बताया समाद्रिक, सबको एक समादर्शन रखना, इसका मतलब है हर जीवों का अंदर में एक ही भगवान का अनुभव करना, हर जीवों में उसी भगवान का अनुभव करने का मतलब है, इसका नाम है समदर्शन, इसका नाम है समदर्शन। समुद्रिक होकर उद्धव मज्जावेशो, मेरे चरण में मन को अभिनिवेश कर दो, लगा लो मय्यावेश मनः सम्मग समुद्रिक विचारस्य काम, तुमको समदर्शन रख के किसी भी हालत से आपका अंदर में कोई ये जो पर्सनैलिटी वैषम्य भाव ना आ जाए। उद्धव किसी भी हालत से तुम्हारा अंदर में कोई वैषम्य भाव, डिस्पैरिटी, वैषम्य भाव न पैदा हो जाए। समुद्रिक हर वस्तुओं में मेरे को दर्शन करोगे और मेरे में तुम देखोगे तमाम जगत, इसमें मेरा अनुभव करो, सब मैं हूं। तम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम, तम तु सर्वम परित्यज्य स्नेहम सजन बंधुषु, जितना सारे सागे संबंधी भाई बहन सबका साथ संबंध तोड़ो और मन को मेरे चरण में लगाओ, मज्जावेश सम्मक फुल्ली
With full attention you will have to man mera charan mein lagao aur samadarshan ho jao samadrik aur vicharasya dham. Ye vicharan gam mane prithvi par parjatan karo. Kahe ki iska uttar kal de diya. Bhagwan bol rahe tumhara parjatan karne ka matlab hai tum acharanshil sadhu ho aur mera achar adarsho idealism adarsho sare tumhare andar mein hai. तुम जहां पहुंचोगे लोग का ऊपर असर पड़ेगा. आचरण से साधु जहां पहुंचे इनों का दिल पे असर पड़ता है. आचरणशील प्रभु का इतना पावर है जो इसको वायलेट करना मुश्किल है. उसका बाद भगवान कह दिया देखो जदिदम मनसावाच चक्षुभाम सवनादिभि जद इदम मनसा बाचा चक्षुभ्याम सवर्णादि भी चक्षु कर्ण नसिया नसिका वाक्य बोलने का शक्ति ये सबके द्वारा जो कुछ भी देख रहे हो जो कुछ भी महसूस कर रहे हो तमाम मायामय है. न सरम गृज्यमानंचो विद्धि माया मनोमयम. ध्यान देना उद्धव जदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम सवनादिभि न सरम गृज्यमानंच विद्धि माया मनोमयम. उद्धव ये आंखों के द्वारा ये कानों के द्वारा ये नासा के द्वारा चक्षुकर्ण सवनादिभि जो भी जदिदम मनसा मन के द्वारा वाचा वाक्यों के द्वारा जो भी जो महसूस कर रहे हो तमाम ये दुनिया का जारे वस्तु सारे वस्तु है न सरम ये समझो ये अनित्य है. न सरम गृज्यमानंच ये समझ लो कि नसर है विद्धि इसको समझ लेना मायामय है. विद्धि माना विद्धि माया मनोमय है. जैसे सपने देखता है आदमी जागृत होने से सपनों को झूठा साबित होता है. निद्रा गया निद्रा से निद्रा में सपने जो अनर्थागमो यथा सपने में जैसे अनर्थ आ गया ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है. जदिदम मनसा वाचा चक्षुभ्याम सवर्णादिवि ही नश्शरम इशारे नश्शर है. गृज्यमानंच विद्धि माया ये माया के द्वारा रचित है. दुनिया में जितना भी व्यक्ति है ये दोष और गुण से भरपूर है. उद्धव दुनिया में जितना सारे वस्तु है उद्धव दुनिया में जो कुछ भी है जो कुछ व्यक्ति है सब दोष और गुण यही दिखाई पड़ेगा. द्वैते भद्रा भद्र सब मन धर्म यही भालो यही मंद्र यही सब ब्रह्म चैतन्य भागवत ने दिया. द्वैत भावना जब आ जाए अद्वै ज्ञान तत्व का भावना जब टूट जाए जब अद्वै ज्ञान तत्व का भावना टूट जाए जब द्वैत भावना आ जाए द्वैते में हर वक्त हर जगह किसी एक जगह नहीं है जहाँ द्वैत भावना में अच्छा बुरा ये कंसेप्शन जो है भला बुरा का कंसेप्शन का बाहर है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये स्वाभाविक है. द्वैत भावना ड्यूअल कंसेप्शन इसमें अच्छा बुरा तो रहेगा ही कि दुनिया ऐसा ही है एक दूसरे का दोष निकालने में लगे हुए हैं. काल चर्चा करेंगे वो बात कह रहे हैं एक दूसरे का दोष निकल रहा है ढूंढ रहा है लेकिन ये अद्वैत ज्ञान तत्व को समझो. वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते अद्वैत ज्ञान तत्व. सो उद्धव जदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्याम श्रवणादिभिः नश्वरं गृज्यमानञ्च विद्धि माया मनोमय. ये मायामय माया रचित है ये जगत. और
जितना सारे जीवात्मा है एक दूसरे का दोष गुण से लगे हुए हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करें। से अधिकारे जो निष्ठा गुण परिकीर्तिता विपर्जयस्तु दोष। भगवान उद्धव जी के ये उत्तर थी, हम लोग आएंगे चैप्टर आएगा। भगवान ने उद्धव जी को समझाया, सुद्धव से अधिकारे जो निष्ठा, जिसका जहां तक अधिकार है, जिसका जहां तक अधिकार है उद्धव, जिसका जहां तक अधिकार है उतना तक ही करना है उद्धव। जिसका जहां तक अधिकार है, ये अधिकार का अनुसार उसको क्रियाकर्म करना है। उसको भंग करे, कुछ दिखाने जाए तो ये गुण नहीं होगा, दोष हो जाएगा। इसका बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। प्रभुपाद जी अक्सर कहते थे भक्ति सिद्धांत शास्त्र, से अधिकारे जनिष्ठा सदोष परिकर्षिता, से अधिकारी जो निष्ठा सगुण परिकीर्तिता विपर्यस्तु दोष, ऐसा बारे में चर्चा करना है, ध्यान देना है। और उद्धव जी आगे भगवान इतना सारे समझाया, इतना सारे समझाया भगवान, ये उद्धव समाधान एक ही है। समाधान है माया का बाहर, माया का बाहर जाने का जो समाधान है, माया का बाहर जाने का जो विषय है, माया का बाहर जाने का जो समाधान है एक ही है, वो है तत्व ज्ञान को प्राप्ति करना। तत्व ज्ञान को प्राप्ति करने के बाद माया अपने आप चला जाएगा, माया के साथ लड़ाई करने का दरकार नहीं, क्योंकि माया के पास जितना ही लड़ाई करोगे, माया का साथ जितना ही लड़ाई करोगे उतना ही बंधन गाढ़ा होगा। माया का साथ हमारा लड़ाई नहीं करना है, माया का साथ जितना लड़ाई करोगे उतना ही बंधन जबरदस्त होगा। तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो, समझ में आएगा इस दुनिया में कुछ चीज नित्य नहीं है, सब दो दिन का है, और सारे आदमी भटक रहा है उल्टा कहां जाए। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा, भगवान बहुत सारे प्रिलिमिनरी, भगवान श्री कृष्ण प्रिलिमिनरी उपदेश दिया, इसे प्राइमरी उपदेश है, देने का बाद बोले तुम तैयारी हो जाओ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो निप उद्धव प्रणिपत्तो प्रणिपत्ता हो तत्व जिज्ञासु रच्युतम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इत्यादिष्टो, ऐसा भगवान आदेश देने के बाद इत्यादिष्टो भगवता, भगवान के द्वारा ये उपदेश उद्धव को पहुंचा। इत्यादिष्टो, ऐसा आदेश उपदेश भगवान के द्वारा होने के बाद महाभागवत निपो, हे राजन महाभागवत, देखो परीक्षित महाराज को बहुत जगह महाभागवत, बहुत जगह, एक जगह नहीं है, बहुत जगह, प्रथम पहला स्कंद में है, सेकंड स्कंद में, इधर बहुत जगह महाभागवत बताया। सुखदेव को समय वाचो, सुखदेव वाचो दृष्टा शिशुक वाचो, सुखदेव को समय कह रहे हैं कि शिशुक वाचो इत्यादिष्ट भगवता महाभागवतो निपो उद्धव प्रणिपत्याहो तत्व जिज्ञासुरच्युतम। उद्धव को प्रिलिमिनरी ये सब उपदेश देने के बाद उद्धव जी महाराज भगवान के द्वारा उद्धव जी महाराज को ये सब इंस्ट्रक्शन, प्राइमरी प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शन प्राप्ति करने के बाद उद्धव जी महाराज प्रणी
पत्याहु प्रणिपत्याहु मैंने प्रणिपत करके अब प्रश्न करना शुरू कर दिया। प्रणिपत्याहु याद है ना गीता में तद्विद्धि प्रणिपातेनो तद्विद्धि प्रणिपातेनो परिप्रश्नेनो सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उद्धव जी महाराज को जो भगवान तत्वज्ञान उपदेश कर रहे हैं ये भी ऐसा ही है। शरणागत होकर उद्धव जी महाराज कह रहे हैं उद्धव प्रणिपात करके तत्व जिज्ञासा शुरू किया। अभी उद्धव उवाच उद्धव प्रश्न कर रहे हैं उद्धव अभी प्रश्न कर रहे हैं योगेश योग विन्यासो योगात्मो योग संभव निःश्रेयसायो मे प्रक्तस्त्याग संन्यास लक्षण। ठाकुर जी हे योगेशो योग का ईश्वर योग विन्यासो योगात्मन योग संभव जो कुछ भी है तुम्हारा स्वरूप है योग का, तुम योग के द्वारा सहारे में सब कुछ करते हो, तुम परम योगी हो योगेश हो। जितना सारे योगी है उसका जो योग संभव है सब आपके द्वारा ही संभव है। आपके खातिर योगेश हो आपके खातिर योग संभव है, एक आपके द्वारा ही संभव है नहीं तो संभव नहीं है। हे योगेशो हे योग विन्यास हे योगात्मनो हे योग संभव आप जो परम मंगल आप जो मेरे परम मंगल का निमित्त हो जो सब संन्यास का लक्षण का त्याग जो है ये सब जो बताया हे सर्वात्मनो विषयात्मा मैं विषयी हूँ अभक्तो ज्ञान जो अभक्तो जो व्यक्तिगण है अभक्तो ओरूप कामना परित्याग ए लो ऐसा मापी कामना को त्याग करना ऐसा मापी कामना वासना को त्याग करना असंभव है लेकिन आपने मेरे को ये उपदेश किया मैं क्या करूं। योगेश योग विन्यासो योगात्मनो योग संभव निःश्रेयसायो मे प्रक्तः त्याग संन्यास लक्षण। आप एक काम करो ना मैंने समझा नहीं आप त्याग का सन्यासी का लक्षण बताओ कौन सन्यासी है कैसा है ऐसा बारे में थोड़ा बताओ ऐसा बारे में बताओ। क्योंकि त्यागो अयम दुष्करो भूमन कामानम विषयात्म भी जो विषय वासना से भरपूर है जो विषय वासना से भरपूर है डूबे हुए हैं जो विषय वासना का बाहर नहीं जाना चाहता असंभव है इसका लिए तो त्याग असंभव है। त्यागो अयम दुष्करो भूमन हे भूमन ऐसा मापिक त्याग करना तो संभव नहीं है। त्यागो अयम दुष्करो भूमन कामानं विषयात्मा भी जो विषयी है विषय से जिसका लगन है ऐसा मापिक व्यक्तियों के लिए भूमन काम को त्याग करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। त्यागो अयम दुष्करो भूमन कामानं विषयात्मा भी सुतराम त्वयि सर्वात्मन अभक्तयि रीतिमे मति। अभक्त ज्ञानों के लिए जो अभक्त है इसका लिए तो ये त्याग कामना वासना त्याग करना दुष्कर है ये मेरा भावना मेरा ये विचार है। आप जो सन्यास का त्याग का विषय में बोला सर्वात्मनो ये तो सबको के लिए असंभव है हर आदमी के लिए तो संभव नहीं है हर आदमी के लिए तो संभव नहीं है कैसे क्या करें
असंभव है। तैगो अयम दुष्करो भुमन कामानम विषयात्म भी सुतरांग तई सर्वात्मन अभक्त रीति में मति। जो अभक्त है, जिसका अभी तक अपने चरण में लगन नहीं लगा है, उसका लिए तो असंभव है, क्या किया जाए। भगवान कह रहे हैं कि देखो, भगवान कह रहे हैं अर्जुन प्रायेण मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षण समुद्धरंती ही आत्मनो आत्मनैव अशुभ हैं अशुभाशयात्। भगवान कह रहे हैं ये जो लोक तत्व विचक्षण जो मानव जाति जो 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 मान जो जो व्यक्ति है भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धव, इस जगत में लोक तत्व विचक्षण मानवेरा जो मानव जो लोग लोक तत्व के बारे में पूरा छानबीन करके देखा एक्सपीरियंस्ड है। भगवान कह रहे हैं इस जगत में लोक तत्व लोक तत्वों का बारे में जिसका बड़ा आइडिया है, भगवान कह रहे हैं यह जगत में लोक तत्व विचक्षण जो मानव जाति है जो लोग है प्रायः आत्मा के द्वारा विषय वासना से आत्मा को समुद्धित कर रख, जो गीता में बताया हुआ उद्धरेत आत्मना आत्मनम आत्मन नैव अवसादेत, अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, नियम है ये। ओ बुद्धि धृति विचार शक्ति के द्वारा अपने को बचाना चाहता है, लेकिन सबसे बढ़िया पद्धति है गुरुचरण का कृपा प्राप्त करना, सबसे बढ़िया। रजस्तमस्य सत्येन सत्यंच उपशमेन च एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसा जायत। भगवान ने खुद बताया उद्धव, रजस्तमस्य सत्येन रजस्तमस्य सत्येन सत्यंच उपशमेन च, रजतमो को शतगुण के द्वारा डिफिएट करो, पराजित करो, और शतगुण को शुद्ध सतो के द्वारा पराजित करके गुणातीत भूमिका में जाओ। शुद्ध सतो के द्वारा सतोगुण को भी फेंक कर शुद्ध भूमिका में जाना है, नहीं तो होगा नहीं। भगवान कह रहे हैं इस जगत में जो लोक तत्व विचारवान व्यक्ति है ये लोग प्रायश आत्मा के द्वारा विषय वासना से आत्मा को उठाना चाहता है, उद्धरेत आत्मनात्मन। प्रायेनो भगवान कह रहे हैं उद्धव को, प्रायेन मनुजा लोके लोको तत्व विचक्षणः, भगवान कह रहे हैं उद्धव प्रायेनो मनुजा लोके लोको तत्व विचक्षणः समुद्धरंती ही आत्मनम आत्मनैव अशुभाश्रयात्। क्या बताया ध्यान से सुनना, भगवान वाचो प्रायेन मनुजा लोके लोक तत्व विचक्षणः समुद्धरंती ही आत्मनम आत्मनैव अशुभाश्रयात्, आत्मनो गुरु आत्मैव पुरुषस्य विशेषतः। जिस बारे में हम पहले भी बताए यथा यथात्मा परिमिज्यत असौ, यथा यथात्मा परिमिज्यत असौ मत्पुण्य गाथा सुवनो विधाने तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्त।
यथा यथा आत्मा परिमिज्जत सौ मत्पुण्य गाथा सुबुनो विधान तथा 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 पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम। भगवान का कथा कीर्तन ऐसे करते करते जब सूक्ष्म भूमिका में चले जाए दर्शन, मतलब मेटेरियल दर्शन खत्म, वैकुंठ दर्शन हुआ, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधान, जितना हरि कथा कीर्तन सवन करते चलोगे करते चलोगे, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्तम। आंखों में जैसे काजल का जरा, आंखों में जैसे काजल लगाने से धीरे धीरे आंखें का देखने का ताकत है, दृष्टि बदल जाते हैं, ऐसा ही भगवान का कथा कीर्तन करते करते दर्शन ऐसा शुद्ध विचार हो जाए कि जो वैकुंठ जगत में है वही दर्शन होगा, बाकी मेटेरियल दर्शन नहीं, नहीं, नहीं। मेटेरियल दर्शन नहीं होने वाला। भगवान कह रहे हैं और देखो सूक्ष्म दर्शन के मतलब एटाटी पेशाब का दर्शन, एटाटी पेशाब का जंदन जनानी लड़का लड़की, ये जो दर्शन है ये मोटा दर्शन है, ये दर्शन सूक्ष्म दर्शन नहीं है, ये दर्शन सूक्ष्म दर्शन नहीं है, ये फालतू दर्शन है। लेकिन हरिकथा कीर्तन करते चलो, गुरु वैष्णव के संग में रहते चलो, देखोगे इतना सूक्ष्म दर्शन हो जाएगा कि आप आज आप सोच भी नहीं सकते हो, इतना सूक्ष्म दर्शन। यथा यथा आत्मा, यथा यथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सवनो विधानी तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म चक्षुषैव अंजन संप्रयुक्ता। जैसे आंखों में कजरा लगाने से दृष्टि शक्ति बढ़ते रहता है, ऐसा ही अत्रापि उदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं अवधूतस्य संवादं जदो जदोर जदोर अमित तेजसः। क्या अत्रापि उदाहरन्ति, अत्रापि उदाहरन्ति, अत्रापि उदाहरन्ति इतिहासं पुरातनं अवधूतस्य संवादं जदोर रमी तो तेजसा। जदु जदु भगवत भक्त थे ना, जदु भगवत भक्त थे, अमित तेजसा, ये जदु का साथ एक अवधूत का भेंट हुआ था। इस प्रसंग उद्धव जदु का साथ एक परमंस एक संन्यास का सन्यासी का एक त्यागी का दर्शन हुआ, एक अवधूत का साथ, एक अवधूत महाराज का साथ, एक अवधूत महाराज का साथ, एक अवधूत महाराज का साथ, मेरा खानदान में जो जोदू पैदा भए, जिस नाम पर जोदुवंशो चलता है, जिस नाम पर जोदुवंशो नाम चलता है, ये जोदू, ये जोदू का साथ रास्ते में एक अवधूत का दर्शन हो गया। साधु साधु को दर्शन करते हैं पहचान पाते हैं, असाधु साधु को पहचान नहीं पाते, साधु साधु को पहचान पाता है, एक असाधु साधु को पहचान नहीं पाएगा, संभव नहीं। साधु साधु को पहचाने समझे, इसलिए भगवान अभी कह रहे हैं मेरा पूर्वजो पूर्व पुरुष जो है जोदुराज, हमारा पूर्व पुरुष भगवान कह रहे हैं एक जोदुराज थे, जोदुराज ये जोदुवंश में, ये जोदुराज महाराज एक अवधूत का साथ इसका भेंट हुआ, एक अवधूत महाराज का साथ
एक अवधूत महाराज के साथ इसका भेंट हुआ, दर्शन हुआ। और ये अवधूत महाराज को जदू, हमारा पूर्वजो जदू जो है, जदू महाराज प्रश्न किए, आपका उम्र है बच्चा, अब ज्यादा बड़ा नहीं हो, बालक हो महाराज, आप बालक हो, आप कैसे ऐसा उत्तम तत्वज्ञान का अधिकारी बन गए? जदू महाराज पूछ रहे हैं, जदू महाराज पूछ रहे हैं, ये आप तो एक सुंदर बालक हो, आपका क्षमता भी है, बालक वयस छोटा वयस है, आप कैसे त्यागी बन गया, ज्ञानी बन गया, गोविर ज्ञान, आपका जो गहरा आत्म तत्व ज्ञान है ये कैसे हुआ है? आपका तो उम्र ज्यादा नहीं, मैं बूढ़ा हूं, मेरा उम्र ज्यादा है लेकिन मैं हूं नहीं पाया, आप कैसे हुआ, ये कैसे हो गया, इसका बारे में प्रश्न किया। ये जो जदू महाराज प्रश्न किए किसको, जदू महाराज ने प्रश्न किए ये बालक को, अवधूत को, जब इतनी सी उम्र में ऐसा गंभीर ज्ञान नॉलेज का अधिकारी कैसे बने? आगे चलकर अवधूत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा जदू महाराज को उत्तर दिए, जदू महाराज को उत्तर दिए बड़ा होले होले, बहुत सुंदर अवधूत। पहले अवधूत महाराज बोले, मैं बच्चा का मापिक, टेंशन फ्री रहता हूं, इसका कारण जदूराज सुन लो, क्योंकि जदूराज कोई साधारण आदमी नहीं है, इसीलिए जदूराज का, इसीलिए जदूराज, जदूराज जो, इसीलिए जदूराज का जो प्रश्न है ये उत्तर दिया। जदूराज जी ने बताए, मैं 24 गुरु बनाया अपना जिंदगी में, जदूराज महाराज को अवधूत महाराज कह रहे हैं कि मैं बच्चा टेंशन फ्री इसीलिए हूँ कि मैं जीवन जिंदगी में 24 गुरु बनाए। अच्छा, एक गुरु मिलता नहीं, 24 वाला हाँ मिला ये प्रकृति में। उद्धव इस बारे में तुमको बताए, सुनो, सुनते रहो, सुनने से तमाम दिव्य ज्ञान जागरूक हो जाएगा। अत्रापि उदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम अवधूतस्य संवादम जदूर रमित तेजस। अत्रापि उदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम, अभी तुमको पुराना इतिहास बता रहा हूं, बहुत पुराना। अवधूतस्य संवादम जदूर अमित तेजस, जदू अमित तेज संपन्न है, अमित तेज संपन्न है, उसका साथ अवधूतस्य संवादम, अवधूत महाराज का जो संवाद हुई थी, संवाद जो संवाद हुआ उस संवाद का बारे में बोल रहा है। जदू महाराज ये अवधूत को देखकर हैरान हो गया, ये अवधूत सन्यासी है लेकिन उम्र में बालक है, बालक बच्चा है, बालक सन्यासी, इतना बच्चा सन्यासी देखकर, इतना बच्चा सन्यासी देखकर जदू महाराज घबरा गया। अरे अक्सर जदू महाराज ने बोला, अक्सर तो देखा जाता है ये 50 साल का बाद सन्यास होता है, ऐसा तो भक्ति सन्यास 20 साल 22 साल 25 साल में हो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हर हालत में इसका मिसयूज नहीं होनी चाहिए। भक्ति सन्यास के बारे में इधर नहीं है बोला है, जो सन्यास ज्ञान ज्ञान मार्ग का सन्यास,
भले मैंने 24 गुरु बनाए, बालक सन्यासी का कैसे ऐसे नॉलेज हुआ, तत्वज्ञान हुआ, इस बारे में जानकारी चाहिए। इसीलिए जदू महाराज बड़ा सावधानी से प्रश्न किए। अक्सर देखा जाता है उम्र का अंतिम भाग में सन्यास लेने का विधान है, देता है, लेता है, लेकिन सन्यास का, लेकिन ये भक्ति सन्यास का ऐसा कोई नियम नहीं है। और सन्यास कैसे हो, सन्यास कैसे हो पाएगा आदमी, सन्यास होना संभव है क्या, सन्यास होना संभव है? बोले आत्म विचार से सन्यास आता है। सन्यास होना तो संभव नहीं है, लेकिन आत्म विचार से सन्यास आता है। बाहर में कपड़ा ले लो, डंडा ले लो, जो बात कहना चाह मैं वर्णाश्रम के बारे में भक्तिवंत ठाकुर जी ने बताए, अगर मान लो कोई ब्राह्मण का लड़का, अगर मान लो कोई ब्राह्मण का लड़का, वो अगर सन्यास ले लिया, वो बैनर्जी है, कुछ भी है, भार्गव है, कुछ भी है, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का लड़का, इन्होंने जोर जबरदस्ती सन्यास ले लिया, सन्यास लेने का बाद इसका पतन हो गया। भक्तिवेद ठाकुर यहाँ तक भी बोला, विचार बना के, जो अगर कोई सन्यास आश्रम में प्रवेश किया, अगर कोई सन्यास आश्रम में प्रविष्ट हुआ है, तो ये सन्यास आश्रम को इज्जत देना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसका डिग्निटी है। अगर सन्यास लेने के बाद किसी का पतन हो गया, तो वो अगर सोचे कि मैं अपना सन्यास बेस को फेंक दूं और घर जाऊं शादी करूं, हाँ कर सको। अगर ये सोचे कि मैं सन्यास बेस को छोड़ दूं और घर में जाके शादी करे, कर सकता है। लेकिन पहला वाला जो टाइटल है बैनर्जी, आ ले नहीं सकता। विधवा का विवाह, विडो है ना, विडो, विधवा विवाह के बारे में भी ये विचार है। ऐसे तो शास्त्रों में विधवा विवाह तो है ही नहीं, आजकल उटपटांग विचार है, ये हो गया, इसका बारे में कोई विचार ही नहीं बनता, क्योंकि शास्त्र में किसी जगह नहीं। शादी करने के बारे लाखों बार चिंता करो, उसका बाद फेंकना नहीं, ये ऐसा चीज नहीं है विवाह, जो भी है खैर छोड़ो। लेकिन विवाह का बाद, स्वामी मरने का बाद, जो सेकंड टाइम विवाह का बाद है, इसमें एक लफड़ा है। लफड़ा क्या है, आप सोचा नहीं कभी, जैसे कन्यादान किया, पहला शादी जब पहला शादी हुआ पिताजी ने क्या किया, अपना गोत्र, अपना जो भी गोत्र, सांडिल्य गोत्र, काश्यप गोत्र, जो गोत्र है ये पिताजी ने लड़की को समर्पित कर दिया दूसरा गोत्र में। माने शादी देने का समय लड़का का जो गोत्र है, स्वामी का जो गोत्र है, उसी में चला। अब फिर से दोबारा अगर जब स्वामी मारा गया या तो डिवोर्स हुआ, कुछ भी हुआ, इसमें एक लफड़ा है। अब कुछ किस गोत्र कन्यादान जो हो जाएगा, कैसे होगा, अब कौन करेगा कन्यादान? एक दफे तो हो गया। समाज में जो सिस्टम चल रहा है, ये तो बहुत विचार करना बहुत मुश्किल है। ऐसे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, आदमी सोचता है कि शास्त्र में गलत लिखा हुआ है। मैं शास्त्रों का बात बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आजकल जो हो रहा है होने दो, हम क्या करें। मेरा कहने का मतलब है स्टैंडर्ड, जो शास्त्रों विधान में ये लाखों बार विचार कर रहे हो साधु का पहले, लेकिन साधु का बाद विचार नहीं बनता, ये वैदिक कल्चर के अनुसार। और दूसरा बार अगर शादी भी दिया जाए, तो इसका बारे में भावना है कौन सी गोत्र। अब जो किसी ने तो लड़की को तो देना है स्वामी का हाथ में, द्वारा जो शादी हो रहा है ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है शास्त्र में। अगर कराने जाए तो कौन कन्यादान करेगा, और उसका गोत्र कौन है, कौन सी है, बड़ा मुश्किल है।
तो ये जो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताए, अगर कोई संन्यास ले लिया उसका बाद उसका पतन हो गया, उसका बाद वो घर चला गया, घर जाने के बाद भी शादी किया है, करने दो कोई बात नहीं, क्या करें, लेकिन अपना पुराना पुराना टाइटल नहीं ले सकता। अभी पतित है, अभी ये पतित है, अब भजन करते करते आगे चले तो ये भी भगवत प्राप्ति हो सकता है। आई बात समझ में? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भक्तिविनोद ठाकुर इसको पतित बोला पतित रह जाएगा, पतित है, भजन करते 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 फिर आगे चल के भगवत प्राप्ति होए तो होए, हो सकता, लेकिन किसी भी हालत से पूर्व आश्रम का, पूर्वाश्रम का टाइटल लेके यूज नहीं कर सकता। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, क्योंकि वो तो पतित है, संन्यास ले लिया उसका बाद पतन हो गया, वो वर्णों और आश्रम का बाहर है। ये रिवॉल्टिंग विचार है, कोई सोचा ही नहीं है यहां तक, जो भी है। तो वर्णाश्रम धर्म इफेक्टिव है जब सब आदमी बद्ध दशा में है, बॉन्डेड सोल अवस्था में है, लेकिन परमहंस अवस्था में ये वर्ण आश्रम का कोई दरकारी नहीं। इसीलिए महाप्रभु जी ने बताया, नाहम विप्र न च नरपति ना भी वैश्य न शूद्र नाहम वर्णी न चोपति न मनुष्यवा किंतु पद्य निखिल परमानंद पूर्ण मिता धेर गोपी भरतुर पद कमल और दासु दासन दासा। महाप्रभु जी ने बताया ना, तो महाप्रभु तो गलती नहीं बताएगा। महाप्रभु बोला, जब तुम महसूस करोगे, अनुभव करोगे परमहंस अवस्था में मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, या तो रूपानुग भजन में गोपी भाव भी आया तो हो गया छुट्टी, तब तो वर्णाश्रम धर्म किस काम का है। इसलिए महाप्रभु जी ने सिखाया, नाहम विप्र न च नरपतिर न भी वैश्य न शूद्र नाहम वर्णी न च गृहपतिर न मनुष्यवा किंतु पद्य निखिल परमानंद पूर्णमिता धेर गोपी भर्तुर पद कमल और दासानुदास। ना हम ब्राह्मण नहीं है, न शूद्र नहीं है, मैं संन्यास नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ मेरा परिचय है गोपी भर्तुर पद कमल और दासो दासानुदासा, ये परिचय है। हर जीवात्मा का जो सबसे बड़ा परिचय है, एक्सीलेंट परिचय, उसका पहले वैकुंठ जगत में प्रविष्ट हुआ कुछ परिचय मिला वो तो है ही है, लेकिन महाप्रभु जी ने बताया जे गोपी भर्तुर पद कमल दासन, गोपी भर्तुर गोपी का, ऐसा कोई नारायण का भजन करे होगा नहीं? आहा होगा, नारायण का भजन करे तो वैकुंठ जगत से जाएगा, दास होगा, सेवक होगा, लेकिन महाप्रभु का जो आइडेंटिटी दिया जीवों का लिए सबसे अनोखा, जीवों का लिए जो सबसे अनोखा एक्सीलेंट यूनिक परिचय दिया, यही टॉपमोस्ट परिचय है, इसी परिचय तक जीवात्मा जा सकता है, कैन अटेन। जो भी है छोड़ो ये बात, अभी ये बच्चा सन्यासी को देखकर जोदू महाराज घबरा गए, अरे कैसे संभव है, ये अवधूत है सन्यासी, और ये बच्चा सन्यासी को देखकर हैरान हो गए, बोले कैसे संभव है महाराज। वो खड़ा हो गया, खड़ा होके प्रार्थना किए, महाराज आपका सामने एक प्रश्न है, मैंने सुना कि उम्र का चौथा भाग में शास्त्र में लिखा हुआ है, उम्र का चौथा भाग मतलब इफ वी कैन टेक एट ग्रांटेड, हम लोग अगर विचार कर ले मानव जाति का उम्र है 100 साल, ऐसा नहीं कि 100 साल ही जिएगा, ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो कि 100 साल उम्र है, 100 साल का उम्र में बचपन से लेकर 25 साल तक ये जो लिखा पढ़ा करो गुरुकुल में करो सब है, ये विधान है उसका अंदर, इसका बाद गृहस्थी आश्रम में जाओ 25 50 हो गया, उसका बाद वानप्रस्थ ले लो, वानप्रस्थी ठीक हुआ, और वानप्रस्थी का बाद उसका बाद 75 का बाद संन्यास, लेकिन ये भक्ति संन्यास का बारे में नहीं एप्लीकेबल, ये ज्ञान संन्यासी, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनभक्षक सलिंगानम आश्रम त्यक्ता चरित अविधि गोचर
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वा अनपेक्षकः शालिंगानम आश्रमम त्यक्ता चरेत अविधि गोचरा। इस बात पर बाद में चर्चा करेंगे। अब ये बच्चा सन्यासी को देखकर बोले, महाराज हमने तो कभी देखा नहीं, हमने हमारा आइडिया है, हमारा विचार है कि ये शास्त्रों का विचार, आदमी अंतिम समय में सन्यास लेता है, उम्र का चौथा पाद में, आप तरुण बालक हैं, सन्यास कैसे हो गया, अब आपको सन्यास कौन दिया, कैसे हो गया। जदुराज जदुराज अवधूत महाराज को हैरान होके ये क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि सन्यास कहां से आता है, सन्यास तो जोर जबरदस्ती आता नहीं, अरे मैं सन्यास ले लूं डंडा हो जाएगा लोके दंडवत करे, ऐसा नहीं है। सन्यास आता है विचार से, अंतरात्मा का विचार बनने का बाद जब महसूस होता है कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, ये दुनिया कुछ नहीं है, किसेर संसार ही छायाबाजी प्राय, यहाते ममता कोरी बिथा दिन जाए, भक्तिमय ठाकुर ने बोला। भक्तिमय ठाकुर ने कीर्तन में लिखा, किसेर संसार ही छायाबाजी प्राय, अरे शैडो का खेल है, मैजिक है। भक्तिमय ठाकुर ने बोला, किसेर संसार ही छायाबाजी प्राय, यहाते ममता कोरी बिथा दिन जाए, हमारा जीवन जिंदगी गुजर गया, खराब हो गया, बेकार हो गया, क्या करें हम। अब ये जो सन्यास है, जोदु महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने सोचा, मैंने जानता, मैंने सुना है शास्त्र में जे उम्र का चौथा पाद में सन्यास लिया जाए, और आपका सन्यास बालक अवस्था में है, ये छोटी सी उम्र में आपका कैसे हो गया। और सन्यास तो आता है विचार से, आत्म तत्वों का विचार से, जब सना आत्म तत्वों का विचार से, जब समाज संसार, तमाम समाज संसार दिखाई पड़ता है कुछ नहीं रखा, तभी सन्यास लेना संभव है। आत्म तत्वों का गहरा विचार, आत्म तत्वों का गहरा विचार से सन्यास आता है महाराज, हमने ये जाना है शास्त्र में। अरे आत्मों का विचार तो उम्र वाले का, जो लोग उम्र बढ़ गया बुढ़ापा में आता है, हैं आत्म तत्व का विचार अक्सर जो बुजुर्ग है वो लोग का आत्म तत्व का विचार होता है, ये स्वाभाविक आता है, मतलब ये आएगा ही, ऐसा नहीं प्रहलाद महाराज का 5 साल का उम्र में आया, ध्रुव महाराज का 5 साल, ऐसा नहीं, बोले ऐसा ही क्वाइट नेचुरल, जो बुजुर्ग लोग हो, जो उम्र वाले का ही संसार समाज संसार का जो भाव है, ये तत्व है, समाज संसार का जो तत्व है ये समझ में आता है, इट इज क्वाइट नेचुरल। उम्र वाले आपका इतना थोड़ी सी आपका उम्र है, थोड़ा रहता है उम्र में ऐसा कैसे हो गया, इतना छोटी सी उम्र में आपका सन्यास कहां से आया, आप देखने में इतना सुंदर हो, योर फिगर इज स्टाउट फिगर, वेरी हैंडसम, देखने में इतना सुंदर है, हैं? आप अनायास किसी लड़की को लेकर संसार जमा सकते थे, क्यों नहीं किया, देखने में इतना सुंदर है आप, छोटी सी उम्र में आप सन्यास कहां से आया, आप सुंदर पुरुष हो, देखने में इतना सुंदर हो, हैं? हैंडसम हो, हड्डा कट्टा है, अब किसी लड़की को शादी करके आप संसार जमा सकते थे, दार परिक्रम का संसार कर सकते थे, क्यों नहीं किया, आपका जो संसार वासना है ये कहां से एलिमिनेट हो गया, आपका जो संसार का वासना है कहां से चला गया, ये कैसे हो गया, हम हैरान हो गया, आपका ये संसार का जो वासना है ये कहां से गया। अतः दुस्संग मुसृज्यो सत्सु सज्जेत बुद्धिमान, क्यों संत एव अस छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। ये तो मेरा नॉलेज है भागवत से ये जानता हूं ना। अतः दुस्संग मुसृज्यो, जो जान लिया कि संसार कुछ नहीं है,
कुछ नहीं रखा, अनित्य है। अतः दुस्संगम उत्सृज्य, इसीलिए असत्संग छोड़कर, विषय वासना आदि अनर्थ असत्संग छोड़कर सत साधु संग करना जरूरी है। क्यों? एक साधु संग के द्वारा अनर्थ चला जाता है। एकमात्र साधु संग के द्वारा ही हमारा दिल से जितना सारे बंधन है वो काट सकता है साधु संग के द्वारा। अतः दुस्संगम सृज्यो सत्सु सज्जित बुद्धिमान, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति असत्संग छोड़कर माया का बाहर जाने के लिए सत्संग सत्संग करता है। सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति तक भी होता है, भगवत प्रेम। बहुत बार कह चुका ना, बहवो मत पदम प्राप्त त्रष्टो कया धबादयो विषपर्वा बलिर्वान मयश्च अथो विभीषण सुग्रीव हनुमान ऋक्षो गजो गिद्ध वनिको पता। याद है ना, काल चर्चा करें। ये सब सारे सत्संग के द्वारा एकमात्र, ये तो कुछ नहीं किया। सत्संग का महिमा इतना है, काल भी बताया था नारद भक्ति सूत्रों से, सत्संग के द्वारा भगवत प्राप्ति होना असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं। काल चर्चा करेंगे इस विषय में। जोदुराज का कहने का मतलब है कि आप इतना सुंदर हट्टा कट्टा है दिखने में, कोई लड़की को शादी करके आप संसार घर गृहस्थी बैठा सकते थे, क्यों नहीं किया? संसार कहां से आया? बाह्य दृष्टि में ये बात तो पाका है, ये बात तो पक्का है। जो परमंश है, ये परमंश जो सो साधु गुरु वैष्णव परमंश है, ये दिल का अंदर में, उसको किवाड़ बंद करके रख दो। विश्वास नहीं हो रहा है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो ये परमांश नहीं है तो उसका परीक्षा ले लो। आप एक महीना दो महीना उसको लॉक एंड की करके रख लो, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका आनंद अंदर से है। आपका आनंद, आपका जो आनंद है बाहर से आता है। परमांश साधु गुरु वैष्णव एकांत में रह सकता है, इसका लिए कोई हर्जा नहीं है। बद्धो जीवों के लिए संभव नहीं, क्योंकि ये हर वक्त हरि कथा बोलते रहते, हर कथा कीर्तन करते रहते, हर वक्त गुरु वैष्णव का संग होते रहते, तो इसका लिए कोई हर्जा नहीं, असुविधा नहीं। ये अपना आनंद में, अपने धुन में रहता है। ये जो गुरु वैष्णव है ना, ये अपने धुन में रहता है। अपना जो परमंश भाव है अंदर में, गुरु वैष्णव भगवान भंडारा सब चल रहा है, बाहर में कोई नहीं है। बाहर में देखोगे निर्जन जगह पर है, लेकिन अंतर में महामहोत्सव चल रहा है, हरि कथा का, हरि कीर्तन का महामहोत्सव चल रहा है। आप ब्लाइंड हो, आप अंधा हो, आप अंधा हो, देख नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, अंधा हो। लेकिन ये परमंश का विचार करके देखना, ये एकांत में रहता है, हर वक्त हरि कथा कीर्तन आनंद चल रहा है, महामहोत्सव चल रहा है, लेकिन आपको पता नहीं। यू आर ब्लाइंड, यू कैन नॉट सी द हार्ट ऑफ अ वैष्णव, प्योर वैष्णव। जोदु महाराज कह रहे हैं, महाराज आनंद तो बाहर से आता है, यही स्वाभाविक है। परमांश व्यक्तियों का आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथ आपि उरु क्रमे, ठीक है। आत्माराम व्यक्ति के लिए, आत्माराम व्यक्ति के लिए आनंद अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अब बाहरी दुनिया का व्यक्ति जितना सारे हैं, ये लोग का आनंद का वस्तु जो है ये बाहर है। ये पांचाल देश में घूमने निकालता है। पांचाल का माने है पंजाब, लेकिन यहाँ पांचाल का माने है जहाँ शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर, ये जो सब पंच तन्मात्र, फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, जो मिट्टी खिति अपो तेज मरुद्भम, ये फाइव एलिमेंट्स ऑफ नेचर। और पंच तन्मात्र मतलब एंजॉयमेंट का बेसिक चीज, ये प्रकृति का है। ये बाहर का एंजॉयमेंट लेने के लिए आपको पंजाब जाने का पड़ेगा। पंजाब मतलब पांचाल देश, जहां शब्द स्पर्श रूप रस गंधो सारे मिलता है, पंजाब। लेकिन माने पंजाब बोला, ऐसा मत सोचो। पांचाल, पांचाल माने जहां पांचों
एंजॉयमेंट का वस्तु मिलते रहते हैं, ये दुनिया में मिलता है। पंचाल मतलब जहां भोग का वस्तु है पंचाल, पंचाल। और आपका आनंद कहां से आया है? अक्सर तो ये देखा जाता है कि आनंद बाहर से आता है, आपका आनंद कहां से आ रहा है? आपका आनंद का आप छोटी सी उम्र है, आप जब संन्यास लिया है जरूर आपको आनंद मिला होगा, और नहीं आनंद मिला होगा तो कैसे आप लिया, ये हो ही नहीं सकता। जैसे एक मिसाल, एक उदाहरण दे दे, जैसे सनातन गोस्वामी का पाद हर हर महादेव विश्वनाथ काशी विश्वनाथ ने एक ब्राह्मण को भेज दिया। ये ब्राह्मण बर्धमान का है, हमारा बंगला का है। ये ब्राह्मण काशी विश्वनाथ गया और जाके व्रत व्रत तप उपवास शुरू किया। बोले बाबा मेरा लड़की का शादी का समय आ गया, पैसा नहीं है, कैसे दूं, आप व्यवस्था कर दो, आप थोड़ा हाल निकालो। काशी विश्वनाथ का भजन किया, बार बार पुकारते रहा, बाबा मेरा पुकार सुन ले, बाबा मेरा पुकार सुन ले। अरे पुकार सुन लिया बाबा, रातों में हैं सपने में आया बाबा, ए एक काम कर वृंदावन चले जा। अरे वृंदावन जाके क्या करे, हाँ लड़की का विवाह, अरे जाना वृंदावन, वृंदावन चले जा, वृंदावन जाके एक संत है, बड़ा संत है महात्मा सनातन, अच्छा उसका पास जाके क्या कर, वहाँ पास पैसा है, संतु का पास पैसा है, हाँ बड़ा मालामाल है, बहुत ऊँचा, उधर जा चले जा। और बोला ठीक है, वो वाराणसी वाराणसी से वृंदावन पहुँचे और लोगों को पूछते पूछते पूछते, बड़े बाबा छोटे बाबा, बड़े बाबा है सनातन, छोटे बाबा रूप गोस्वामी पा। अब पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गया, अब बोले एकदम दंडवत किए और रोना शुरू कर दिए, ऐसा रोना शुरू कर दिए मत पूछो। सनातन जी रोते क्यों हैं? बोले हमको पैसा चाहिए, पैसा कई धनी व्यक्ति के पास जाओ। बोले नहीं, काशी विश्वनाथ ने बोला आपका पास है, हमारा पास बोला। बोले हाँ, बोले सनातन के पास जा, वहाँ बड़ा माल नंबरदार है, सनातन बड़ा नंबरदार है, बड़ा पैसा है। अच्छा मैंने आया, अरे काशी विश्वनाथ बोला, हाँ सपने में आया है। काशी विश्वनाथ तो झूठा नहीं बोल सकता, बोला हाँ जरूर, तो मेरा पास तो कुछ है नहीं, मेरा रुपया पैसा संपत्ति कुछ नहीं है। बोला ना जरूर होगा, अब देखो विचार, विश्वनाथ तो झूठा है। बाद में सुना तुम लोग, ओह हो वेट वे 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 वेट कर, अपेक्षा कर, आ जमुना का किनारे एक जगह मैंने एक परस मैंने मिला था, एक टच स्टोन, एक परस मैंने मिला था, मैंने छोड़ दिया, मेरा काम का नहीं है, और तेरा काम का है तो तू ले जा, तेरा काम का है तो तू ले जा, मेरा कोई काम कहाँ है। बोले चल आ जा, आ जा। वो जगह को खोदा है, खूंत के उस परसमणि को उसका हवाले कर दिया, मैं जल ले जा। ओ आनंद, बोले क्या काम होगा? बोले महाराज इसको जिसका लोहे का सा स्पर्श करो सोने बन जाएगा। अच्छा अरे तो पागल हो गया, अरे हम तो मालामाल हो गया, चलो आज अब तो मालामाल हो गया मैं, अब मेरे से धनी व्यक्ति कौन है जब स्पर्शमणि मिल गया। दौड़ने लगे, हम बंगला जाए, लड़की का शादी है, और आधा थोड़ा बहुत रास्ता गया और दौड़ के आए। बोले वापस क्यों आया? सनातन उसे पूछा वापस क्यों आया, वापस क्यों आया? बोले वापस आया इसलिए कि हमने सोचते रह गए, हैरान हो गया कि आपका पास कौन सी संपत्ति है जो इस संपत्ति को टट्टी पेशाब का मार्ग पर रख दिया। मैंने इसलिए वापस आया, मेरा विचार बना कि ये सनातन बाबा का पास कौन सी संपत्ति है ऐसा कीमत जो इसको भी फेंक के रख दिया टट्टी पे सब कमा भी। रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, जे धने होइया धोनी मनीरे मानो ना मनी तारी एक कौन मांगी आमी नतो मुखे नतो सिरे। रविंद्रनाथ ठाकुर इस सनातन से एक कहानी को कविता का रूप दिया। जे धने होइया धोनी मतलब जे धन प्राप्ति होने के बाद इस इतना अमूल्य संपत्ति को फेंक दिया, वो संपत्ति कैसा संपत्ति है?
मैं जानना चाहूं, मैं प्राप्ति करना चाहूं। जे धने होइया धनी मुनि रे मानो ना मुनि, ये परसो मुनि को भी आपने फेंक दिया। परसो मुनि का परसो मुनि ये जगत में रेयर है, स्पर्श मुनि असंभव है, लेकिन आप इस परसो मुनि को फेंक दिया तो आपका पास कौन सी संपत्ति है। जे धने होइया धनी मुनि रे मानो ना मुनि, तारी एक कौन मांगी आमी न तो सिरे। हम सर झुकाकर उसी संपत्ति का जांचना करता हूं बोल के ये पागल जो है फेंक दिया। ये पागल जो है ये परसो मुनि को जमुना का पानी में फेंक दिया, हमको नहीं चाहिए, ये संपत्ति दे दो। कौन सी संपत्ति है आपका पास जो संपत्ति आपको प्राप्त हो गया जिसके द्वारा आप इस संपत्ति को फेंक दिया, टट्टी पेशाब का बराबर। ऐसा है सनातन गोसाई आनंद में डूबा हुआ है, आनंद में डूबा हुआ है ना। ये देखो यहां बाहरी दृष्टि में ये सन्यास का, ये अवधूत सन्यासी का आनंद का कोई ठिकाना नहीं मिलता। अरे कहां से, ना तो लड़की है, ना तो पैसा है, ना तो एसी है, ना तो डीसी है, ना तो मर्सिडीज बेंच कार है, ना तो फ्लाइट है, कुछ कुछ नहीं है, आनंद नहीं है इसका। कहां से आ गया, आपका आनंद का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जदू महाराज जी ने बोला आनंद का कोई कारण तो नहीं दिख रहा है, आनंद का कोई कारण तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको देखकर, आपको चेहरा देखकर ये लगता है कि आनंद में, कि आप आनंद में डूबे हुए हो। बोले ऐसे सुना, ऐसे जदू महाराज जी ने कह दिया कि बाहरी दृष्टि में तो कुछ कुछ दिखाई नहीं पड़ता आनंद का क्या विषय है, लेकिन आपका ओर देखे तो, आपको अगर आपका चेहरा देखे तो लगता है कि आनंद में डूबे हुए हो। ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो गया, इसका उत्तर काल हम चर्चा करेंगे, आज यहां तक रहे। जत शक्तयो वदताम वदिनाम भई विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमानन्त गुणाय भुम्ने, तस्मै नमानन्त गुणाय भुम्ने। वाञ्छाकल्पतरुषः सुखी वासिन्दवे च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।